कुछ लोग हैं मोदी जी जो पसंद और नापसंद की बात कहते हैं कि मुसलमान पसंद करता है, कुछ कहते हैं कि नहीं पसंद करते मोदी को, ये सवाल उठता है। ऐसा है कि लोकतंत्र में ये उसका अनिवार्य अंग है। अगर सब लोग मुझे पसंद करें तो वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? ये तो तरीका नहीं हो सकता। फिर तो वो मजबूरी है उनकी कि मुझे पसंद करना पड़े, मुझे वो नहीं चाहिए जी। जिस दिन वो कन्विंस हो जाए, जिस दिन उनको लगे कि हाँ यार हमारा भविष्य इसमें है। दूसरा, मुसलमान को भी समझना हो, देश के भविष्य के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। वो ये माने कि देश डूब जाएगा और बच जाएगा, वो होने वाला नहीं है जी। और देश बनेगा और मुझे घर बैठे मिल जाएगा तो एक स्थिति आएगी कि शायद न भी मिले, क्योंकि जो रुपया रुपये को खींचता है जी, जो फिर आगे निकल जाएगा। और इसलिए मैं उनको कहता हूँ पढ़ाओ भाई, बच्चों को पढ़ाओ, अवसर है, तुम मौका खो रहे हो, फिर रह जाओगे जी। तुम्हारा काम है तुम, इसलिए मैंने एक मेरा बहुत पहले 2013 के इंटरव्यू, मैंने कहा एक हाथ में कुरान हो मुझे इतना नहीं, लेकिन एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए जी। मुझे उनका भविष्य बनाना है, वो पीछे रह जाएंगे मुझे दर्द है जी। दुनिया बहुत तेजी से आगे चली जाएगी और ये इसकी हमें चिंता कर। और मुझे बताइए साहब, कोई देश 10% का हो, 12% जो भी हो, अलग अलग लोग आंकड़े बताते हैं, वे अगर अविकसित रह जाए, वे अगर समृद्ध न हो, तो मेरा देश समृद्ध हो सकता है क्या? आपका शरीर है, वजन अच्छा है, ऊंचाई अच्छी है, सब मजबूत है, लेकिन एक हाथ नहीं है, अच्छे काम नहीं करता है, उसको स्वस्थ माना जाएगा क्या? सभी अंग स्वस्थ होने चाहिए, तो ये भी मेरे देश का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर वो अस्वस्थ होगा, मेरा देश कैसे स्वस्थ हो सकता है जी?